नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइव और मैं हूं आपके साथ अंकिता मिश्रा। आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे राहुल गांधी की संसद सदस्यता को लेकर के। क्या संसद सदस्यता में जल्दबाजी की गई है, उसे रद्द करने को लेकर के भाजपा पर लगातार ये सवाल उठाए जा रहे हैं। विपक्षी पार्टियां भी भाजपा पर सवाल उठा रही हैं, तो क्या नियमों का उल्लंघन किया गया है? क्या राहुल गांधी की संसद की सदस्यता छीनने के बाद भाजपाइयों ने कोई चाल चली है? क्या गुजरात की सेशन कोर्ट से लेकर के सदस्यता रद्द होने के पीछे तक कोई साजिश है राहुल गांधी के खिलाफ? इस बात पर चर्चा करनी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि किसी सांसद की सदस्यता जब रद्द की जाती है तो उस पर कानून क्या कहता है, नियम क्या कहता है, ये भी जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए ये रिपोर्ट। क्या राहुल गांधी की संसद सदस्यता जल्दबाजी में रद्द की गई? इसके लिए नियमों को समझना काफ़ी ज़रूरी है। किसी संसद सदस्य की सदस्यता जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के सेक्शन 8(3) के तहत रद्द की जाती है। इस नियम के तहत जब सदस्य को किसी आपराधिक मामले में दोषी ठहराया जाता है और 2 या 2 से अधिक साल की सजा सुनाई जाती है तो सदस्यता रद्द की जाती है। नियम के तहत जिस दिन सदस्य को दोषी ठहराया गया उसी दिन से सदस्यता रद्द की जा सकती है। राहुल गांधी की संसद सदस्यता इसी सेक्शन के तहत रद्द की गई थी, लेकिन इसे ठीक से समझना जरूरी है क्योंकि सजा पाए गए सांसद के लिए सेक्शन 8(3) में लिखा है कि ही शैल बी डिस्क्वालिफाइड, यानी अयोग्य करार दिया जाएगा। ये नहीं लिखा कि ही शैल स्टैंड डिस्क्वालिफाइड, जिसका मतलब है कि जैसे ही जज ने दोषी साबित किया वैसे ही संसद की सदस्यता भी अयोग्य घोषित कर दी जाएगी। ही शैल बी डिस्क्वालिफाइड का मतलब है कि कोर्ट के फैसले से किसी की संसद सदस्यता नहीं जाएगी, कोई अथॉरिटी से उसे अयोग्य घोषित करना होगा। सांसद के अयोग्य होने का आदेश कोर्ट में दोषी साबित होने की तारीख से ही लागू हो जाता है। लेकिन क्या इस फैसले में जल्दबाजी की गई? क्या अथॉरिटी से इस पर कोई फैसला लेने के लिए कहा गया? ये काफी दिलचस्प और काफी महत्वपूर्ण सवाल है। तो देखा आपने कि सांसद की सदस्यता रद्द करने के पीछे रिपोर्ट क्या कहती है, नियम क्या कहते हैं। किसी सांसद की सदस्यता रद्द करने को लेकर के जब कोर्ट फैसला सुनाती है, जब कोर्ट किसी सांसद को दोषी ठहराती है और 2 या 2 से अधिक साल की सजा सुनाई जाती है तो वो सांसद अयोग्य साबित हो जाता है सांसद की सदस्यता को लेकर। सदन की सदस्यता अयोग्य करार दी जा सकती है उस मामले में जब दोषी ठहराया गया हो, 2 साल से अधिक की सजा हो, 2 साल की भी सजा हो तो अयोग्य ठहराया जा सकता है। लेकिन इसके लिए जो आखिरी मुहर है वो एक अथॉरिटी ही लगाती है, किसी अथॉरिटी को ही इस पर फैसला लेना होगा। क्या इस मामले में अथॉरिटी ने फैसला लिया? कोर्ट के फैसले के बाद तो सदस्यता रद्द की जा सकती है लेकिन मुहर अथॉरिटी को ही लगाना होता है। सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि अभी भी राहुल गांधी की सदस्यता बहाल की जा सकती है। अगर राहुल गांधी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हैं तो सदस्यता बहाल हो सकती है। अगर फैसले को चुनौती देते हैं, फैसला बदल जाता है तो यकीनन राहुल गांधी को बड़ी राहत मिलेगी। लेकिन अभी तक इस पूरे मामले में 5 दिन से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है, राहुल गांधी ने हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का रुख नहीं किया है, इसीलिए सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर राहुल गांधी के पास क्या मजबूरी है? क्या कोई कानूनी मजबूरी है या फिर कोई राजनीतिक चाल? दरअसल पेच इसलिए फंस रहा है क्योंकि राहुल गांधी के फैसले के मामले में अगर ऊपरी अदालत में याचिका दाखिल की गई, अगर फैसले को चुनौती दी गई और ऊपरी अदालत ने भी राहुल के खिलाफ फैसला सुना दिया तो यकीनन राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ी मुसीबत होगी। ऐसे में सूत्रों की माने तो खबर ये भी सामने आ रही है कि वायनाड की सीट से उपचुनाव को लेकर के अब प्रियंका गांधी मैदान में उतर सकती हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा क्या मैदान में उतरेंगी? क्या ये सूत्र जो है वो सही साबित होंगे? ये काफ़ी दिलचस्प होगा देखना। इसी बीच आपको बता दें कि राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने के पीछे अथॉरिटी का क्या कहना है, क्या नियम का कहना है। दरअसल किसी अथॉरिटी को इस पर फैसला लेना होगा, इस पर राष्ट्रपति फैसला सुनाते हैं। किसी
सदन के सदस्य की सदस्यता रद्द करने के पीछे राष्ट्रपति का फैसला होता है, राष्ट्रपति इस पर मुहर लगाते हैं, लेकिन राहुल गांधी के केस में ऐसा नहीं किया गया। राहुल गांधी के केस में राष्ट्रपति से मुहर ही नहीं लगवाई गई, जबकि नियम ये कहता है कि राष्ट्रपति के पास ये ऐसे मामले जाते हैं, राष्ट्रपति चुनाव आयोग से चर्चा करते हैं, चुनाव आयोग राष्ट्रपति के पास सुझाव भेजता है और फिर उसके बाद राष्ट्रपति का फैसला जो होता है वो आखिरी फैसला होता है। अगर आगे विवाद खड़ा होता है तो राष्ट्रपति इस पर दखलअंदाजी कर सकते हैं, लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं है। तो ऐसे में क्या राहुल गांधी के मामले में बार बार जल्दबाजी की जा रही है? आर्टिकल 102 क्या कहता है? आर्टिकल 102 में ये नियम लिखे गए हैं कि आखिर किन किन मायनों में किसी सदन के सदस्य की सदस्यता रद्द की जा सकती है। इसमें सजा का प्रावधान है कि सजा अगर किसी सांसद को मिलती है तो उनकी सदस्यता यकीनन खत्म हो जाएगी। अगर कोई दिवालिया घोषित हो गया है तो सदस्यता रद्द की जा सकती है। मानसिक तौर पर अगर पीड़ित है तो सदस्यता रद्द की जा सकती है। अगर विदेशी नागरिक है तब सदस्यता रद्द की जा सकती है। ऐसे कई मामलों में आर्टिकल 102 में जिक्र किया गया है। लेकिन अब क्या राहुल गांधी के पास मौका है? जी हाँ, राहुल गांधी की सांसद की सदस्यता बहाल भी हो सकती है, लेकिन इसके लिए राहुल को फैसला लेना होगा। ये फैसला कड़ा हो सकता है, ये फैसला चुनौती वाला हो सकता है, लेकिन राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का रुख करना होगा, जो कि कांग्रेस पार्टी अभी नहीं कर रही है। कांग्रेस पार्टी फूक फूक करके कदम रखना चाहती है। ऐसे में क्या जल्द ही एक महागठबंधन देखने के लिए मिल सकता है? दरअसल संजय राउत ने राहुल के साथ और साथ ही सोनिया के साथ मुलाकात की, सावरकर के मुद्दे पर बातचीत की गई। संजय राउत ने पहले ही कह दिया था कि अगर सावरकर को लेकर के राहुल गांधी भाजपा पर निशाना साधते रहेंगे तो वो राहुल का समर्थन नहीं करेंगे। इसी मामले में जब बातचीत की गई तो संजय राउत ने बाहर निकलकर कहा कि सब कुछ ठीक है, यानी कि इस बयान से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आगे चल करके राहुल गांधी सावरकर के मुद्दे पर बयान इसीलिए नहीं देंगे क्योंकि राहुल भी जानते हैं कि विपक्षी एकता इस बार कितनी ज़रूरी है। हालांकि पिछली बार विपक्षी एकता से बाहर राहुल गांधी को गिना जा रहा था, लेकिन अब राहुल भी चाहते हैं कि एक मंच पर तमाम विपक्ष उनके साथ खड़े हों। तो क्या विपक्ष अब राहुल गांधी का समर्थन करेंगे? क्या राहुल के चेहरे पर वो आगे चुनाव लड़ेंगे? हालांकि राहुल गांधी तो चुनाव नहीं लड़ सकते, ऐसे में क्या प्रियंका गांधी अगला चेहरा बनेगी कांग्रेस पार्टी का? काफ़ी दिलचस्प होगा देखना। फिलहाल आज के इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहे नेक्स्ट 9 लाइफ।